ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लोग अपनी परेशानियों से नहीं दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब। ये परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। कुछ शिकायतें बनी रहे तो बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। इसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपको भविष्य में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। जहाँ कद्र ना हो वहाँ खुद को मत बिखेरिए। बेकद्रों को हीरा भी कांच ही नजर आता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो इंसान हो या समय। नाराजगी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। जो बच्चा है उसे संभाल लो, क्योंकि जो खो दिया है वो तो अब लौटेगा नहीं। दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। हर किसी पर यकीन ना करें, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला होता है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांटो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी सवर जाए। किसी को हद से ज्यादा भाव मत दो, कहीं ऐसा ना हो वो आपको रद्दी के भाव समझने लगे। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहती हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखो। साथ छोड़ने वाले को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। किसी से बात करते समय उसका नाम लेकर बात कीजिए, इससे वो व्यक्ति आपको ज्यादा पसंद करेगा। सच्चे दिल के लड़के या लड़कियां किसी भी काम को ना नहीं कह पाते। यदि ये कह भी लेते हैं तो अंदर ही अंदर उन्हें खुद में बेहद बुरा महसूस होता है। कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप अपनी सोच में सोच लेते हैं। 15 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे के सामने अच्छे से नहीं पहचान पाता है। वो तो अपनों की ही फिक्र में वक्त की कीमत समझता हूँ, वरना वक्त को भी समझा देते हमारी कीमत क्या है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। फेल होने और खराब परिस्थितियों से मत डरो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल देगा आपकी सोच से 10 गुना बड़ा होगा। उसी रिश्ते की उम्र ज्यादा होती है जहाँ लोग एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझते हैं और एक दूसरे की
कदर करते हैं। अगर तुम्हें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो तो इससे बड़ा बदला या कोई नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, खुद को कभी बिखरने मत देना। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। सही वक्त पर सही बात समझाने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपने बनकर छल करते हैं। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। इतने प्यार से चाह जाए तो पत्थर भी अपने हो जाती है। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने कमंडी क्यों होते हैं। सुना है मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। नकारात्मक सोच एक ऐसी बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। बात कड़वी है लेकिन सच आई है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। एक मिनट लगता है रिश्ते को मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। पहली बार में ही जीतने वाला केवल सुर्खियों में आता है, लेकिन बार बार हार मिलने के बाद जीतने वाला ही इतिहास बनता है। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी की वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। समझ जाना कि वह इंसान आपके दिल के सबसे करीब है जो आपसे वक्त के अलावा कभी कुछ ना मांगे। प्रकृति का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो क्रम हो, इज्जत हो या फिर प्यार।